दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। आपके इस दूत ने बीते कुछ ही दिन पहले यह आपको बताया था कि मंडला शहर में बच्चे, बूढ़े और विशेषकर कुछ महिलाएं षड्यंत्र पूर्वक अपराध को अंजाम दे रही हैं। जी हां, कुछ सीसीटीवी फुटेज आपके सामने रखे भी गए थे जहां महिलाएं और पुरुष सेंधमारी कर रही हैं, लेकिन अब यह साजिश, यह अपराध दूसरे रूप में भी नजर आ रहा है इस शहर में। जी हां, मंडला शहर के चिलमन चौक से लेकर पड़ाव और बस स्टैंड वाले इलाके में कुछ महिलाएं ऑटो रिक्शे पर बैठती हैं, फिर उस ऑटो रिक्शे में जब सवारी ज्यादा हो जाती है तो वे महिलाएं सट सट कर बैठने लगती हैं और चंद मिनटों में ही बाजू वाली यात्री, सह यात्री चाहे पुरुष हो या महिला, उसका पर्स पार कर देती हैं। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आधा दर्जन से अधिक घटनाएं मंडला शहर में हो चुकी हैं और वह बदस्तूर जारी हैं। कुछ पीड़ितों ने बताया कि वे सरकारी कर्मी भी हैं, व्यवसायिक भी हैं। जब अपना रुपया लेकर वो ऑटो पर बैठी और जब अपने घर तक पहुंची तो पता चला उस बीच में ऑटो से उनका पर्स ही गायब हो गया। कुछ शिकायतें तो कोतवाली तक पहुंची हैं, लेकिन अनेक शिकायतें पुलिस के पचड़े में न पड़ने के कारण विभिन्न जगहों पर कैद हो रही हैं। लेकिन इन सब के बाद भी यह तय है कि मंडला जिले के स्थायी निवासी शायद इस घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि कुछ अनजान चेहरे, अनजान लोग कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि देवदरा वाली रोड में और कटरा वाली रोड में ऐसे कई चेहरे जो मंडला शहर के नहीं हैं, वे देखे जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं और वह पुलिस की निगाह में भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह घटनाएं निरंतर जारी हैं। हम तो आप सभी से यही अपील करेंगे कि किसी अनजान चेहरे पर विश्वास ना करें, किसी अनजान चेहरे को अपने घर पर ना आने दें और जब कभी आप यात्रा कर रहे हैं तो बाजू में बैठे सहयात्री जो है अनजान हैं, उस पर सतर्क रहें, अलर्ट रहें। पुलिस अपना काम करेगी, जब करना होगा तब करेगी, लेकिन आप आज से ही अलर्ट हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।